दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 99% लोग नहीं जानते होंगे कि रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, भारत में मिठाइयों का अपना ही महत्व है। यहाँ पर हर खुशी के मौके पर दोस्तों, यारों और परिवार वालों को मिठाइयाँ जरूर खिलाई जाती है। हर किसी को रसगुल्ला पसंद होता है। शादी हो चाहे कोई बिगड़ा काम बन गया हो, उस समय मिठाई का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में मिठास भर जाती है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस से आसानी से बनाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को एनेबल जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस के बारे में आपको यूं ही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। होती है दोस्तों, जैसे गुजिया उत्तर भारत में होली पर और दक्षिण भारत में दिवाली पर बनाने की परंपरा है। भारत में जितने भी राज्य हैं उतनी ही प्रकार की मिठाइयाँ। उदाहरण के लिए बंगाली मिठाइयों में छेने की प्रमुखता है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो बहुत होती है, लेकिन बंगाली स्पंजी रसगुल्ले की तो बात ही अलग है। दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि इसे अंग्रेजी में सिरप फील्ड रोल कहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको इसका अंग्रेजी का नाम पता लग गया है और आप 99 में से वो 1% लोग हैं जिन्हें रसगुल्ले का अंग्रेजी में नाम पता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि इंग्लिश में रसगुल्ले को क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।